हेलो दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं योगेश तिवारी। इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अदर सब्सटेंस पर, अदर मटेरियल पर वो एक फोर्स एग्जर्ट करता है। अब हम आज ये बात करते हैं। एक दिन हमने एक चीज़ और समझी थी कि इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में मैंने समझा था कि एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, और उसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग शेल्स में, अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें बहुत आ रही हैं, एक मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो सबसे पहले इनको थोड़ा सा हम समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन को फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल मींस सबसे छोटा पीस। अगर मैं इस चौक पीस को लेके उसका एक पीस करूं, उसके भी पीस करता 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 छोटे जाऊं, तो मुझे लास्ट में हासिल होगा इलेक्ट्रॉन। एटम मिलेगा ना, एटम में आपको फंडामेंटल, तो हम इसको इलेक्ट्रॉन को बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? ये इलेक्ट्रॉन में कुछ मास भी है और इसके पास कुछ चार्ज भी है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, मैं इसकी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, जितनी चीज़ें आपको टेंथ में याद रखनी चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी स्टोरी हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले जो है ये पार्टिकल है। जब मैंने बोला ये पार्टिकल है तो इसका कुछ मास भी होगा, ठीक है। तो मैं मास की बात करता हूँ, मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो है 9.1 × 10⁻³⁻³ किलोग्राम। बहुत कम। ये याद रखने वाली चीज़ है, ये आपको याद रखनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, कभी कभी बोर्ड में ये दी होती हैं, नहीं दी होती है, तो इसको तो आप याद रखिए। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको क्या नॉलेज रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, पार्टिकल है। जब कोई पार्टिकल मैं बोल रहा हूँ तो पार्टिकल अगर है तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा, तो उसका मास है 9.1 × 10⁻³⁻ के। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन ये होता है 1.6 × 10⁻¹⁹। अब यहां पर ये मैंने लिखा सी, ये क्या है? SI यूनिट ऑफ चार्ज। ये इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कूलॉम्ब। तो यहां से क्या पॉइंट मिला? What is SI unit of electric charge is कूलॉम्ब। इसे नोट करेंगे कैपिटल C। ये भी बन गया MCQ। SI unit of electric charge is कूलॉम्ब, ठीक है। साइंटिस्ट के नाम पर है, कूलॉम्ब वाज़ साइंटिस्ट, तो कैपिटल से ही हम यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो यहां पर मैं प्रिसाइजली बोल सकता हूं ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। कि कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अभी मैं आपको बताऊंगा ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कब हम बोलते हैं कि ये बॉडी पॉजिटिव चार्ज है और हम कब बोलते हैं ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज, इसको भी समझेंगे, है ना। यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मास 9.1 × 10⁻³⁹ kg आपको याद रखना चाहिए, बिल्कुल हमेशा आपको याद रखना चाहिए इस चीज़ को। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलॉम। अब यहाँ पर थोड़ी सी नॉलेज और, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इसको हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मीन्स एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज। या अभी मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, ये फंडामेंटल पार्टिकल है, तो इस वैल्यू को हम और एक चीज और बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल सिंपल सी बात है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन
1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कोई बोलता है आपसे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या, यही है फंडामेंटल चार्ज, यही है। ठीक है, तो अगर लैंग्वेज चेंज होती है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो यहां पर मास इलेक्ट्रॉन, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, हमने इस चीज को समझा। इसके बाद एक और पार्टिकल मैंने बताया था कि भाई उसमें एटम के अंदर रहने वाले दो ही तो हीरो हैं, न्यूट्रॉन, तो उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है, वो तो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, मैंने वर्ड यूज किया न्यूट्रल होता है। तो उसकी भी मैं बात करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी क्या होती है। मैं कोई भी वर्ड जो मैं बोल रहा हूं उसको मैं एक्सप्लेन आपको बिल्कुल करूंगा। और उसके बाद भी आपको लगता है कि किसी सेंटेंस में या किसी वर्ड में आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। इसके बाद इनके जो इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे जो पार्टिकल आया था उसको मैंने बोला था प्रोटॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैसा पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और प्रोटॉन कैसा पार्टिकल है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सबसे अच्छी बात यह है इसका मास कितना होता है, ये होता है 1.67 × 10⁻²⁷ kg। कौन भारी है, किसका मास ज़्यादा है बताइए। ऑब्वियसली इसका मास बहुत ज़्यादा है, 10 की पावर्स नेगेटिव में है, 10 की पावर जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो मास उतना कम होगी ना क्वांटिटी। तो यहाँ पर आप देखिए 10⁻²⁷ −31 है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है, और एक टेंटेटिव आपको बता दूँ लगभग 1840 गुना होता है, 1840 टाइम्स होता है ना, इस चीज को आप याद रखें। सेकेंड, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, चार्ज ऑन वन प्रोटॉन उतना ही होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, लेकिन पॉजिटिव मींस वन, मैं लिखूंगा प्लस, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये एक प्रोटॉन पर चार्ज है। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर, फर्क क्या, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव और प्रोटॉन पर पॉजिटिव। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात आपको, वेरी गुड, ये हमने समझ लिया। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर मैंने बताई कि फंडामेंटल चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है। अब आप सोचेंगे चार्ज और वन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल टू है, तो फंडामेंटल चार्ज अगर कोई बोलता है तो हम उसको ऐसे भी तो देख सकते हैं प्लस माइनस 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम प्लस माइनस, क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये मैं अगले लेक्चर में इस चीज़ को बताऊंगा पॉजिटिव, अगले क्लास में हम यही समझने वाले हैं कि दो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब दो ऑब्जेक्ट को आप रब करते हैं उनको आपस में रगड़ते हैं घिसते हैं तो वो चार्ज हो जाती है, तो चार्ज क्यों हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद आता है चार्ज के टाइप्स आएंगे, तो टाइप्स आपको मैंने बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ से आपको पता लग रहा है चार्ज के कितने टाइप होने वाले हैं, दो टाइप होने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अगली क्लास में समझेंगे। अभी आपको समझना है फंडामेंटल पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बेसिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, प्रोटॉन का मास क्या है और प्रोटॉन पर चार्ज कितना है। ठीक है, आगे आगे चलें तो हम इस चीज को समझेंगे। अब बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है, आना भी चाहिए, और इस टेंथ से या फिजिक्स में बच्चों को एक ही हमेशा शिकायत होती है, सर न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। बेटा न्यूमेरिकल समझ में हमें इसलिए नहीं आती कि उस न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे पहले हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता है ना, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो भी गया होता है तो हमारा जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा कभी वीक रहता है, तो उसकी भी टेंशन ना लें आप। अगर वो है तो जितना हम न्यूमेरिकल के जो मैं लेक्चर्स लूँगा, न्यूमेरिकल जो भी वीडियोस बनाऊँगा वहाँ पर उस वीडियो के पहले मैं एक आपको मैथमेटिकल टूल का वीडियो भी दूंगा कि आपको कम से कम इतना इतना मैथमेटिक्स आना चाहिए, बहुत बेसिक मैथमेटिक्स होता है, एलसीएम तरह से इस तरह से कॉमन लेना है, जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस को बहुत ईजी कर पाएंगे और वहाँ पर आप फंसेंगे नहीं,
और न्यूमेरिकल जब आपको आएगा तो न्यूमेरिकल करने का भी एडिक्शन होगा आपको, एक न्यूमेरिकल करने में एक अलग ही आनंद आता है, जब न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाता है तो लगता है एक और कर लें, तो ये फीलिंग आनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात, न्यूमेरिकल में अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपका सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर, टॉपिक का, तो न्यूमेरिकल को आप इजीली कर सकते हैं, और जब आप इजीली कर पाएंगे तो न्यूमेरिकल में आपको मार्क्स भी फुल मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल वो निकालेंगे, न्यूमेरिकल से डर लगता है, न्यूमेरिकल आप सबको मैथमेटिक्स आता है, बहुत आसानी से आपको आता है, ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमें क्या आता है, उसको हम अप्लाई कैसे करें। आपके पास टूल्स होते हैं लेकिन कहाँ कौन सा टूल लगेगा इस चीज़ की समझदारी नहीं होती, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तो हम, मैं न्यूमेरिकल्स पर भी आऊँगा ना, आज जो आपको मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, जो आप पढ़ रहे हैं, आपको हमारे पास जो भी फॉर्मूलाज बन के आने वाले हैं, उनको हम वर्ड प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज डालकर जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर उनका कैसे यूज हो पाए, आप अपने आप उस चीज़ को देखेंगे कि भाई ये मेरे पास डेटा कलेक्ट हुआ है, ये क्वेरी है, ये मुझे कैलकुलेट करना है, तो बिल्कुल ही आना चाहिए। कोई सिंपल है ना, प्यास लगती है तो पानी मांगते हो ना, है प्यास लग रही है खाना दे दो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो नेसेसिटी है जब वो आपको समझ में आ जाएगी तो वो टूल आप उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।